राहुल गांधी के मुद्दे पर राहुल ने क्या कहा और उसके बाद बीजेपी की ओर से क्या दिया गया है जवाब। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है, और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है क्या? नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए, और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा।